आजकल हर मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेने के लिए वामपंथी कुछ अधिक ही ललायत होते हैं। तालिबान ने 2 दशक बाद अफगानिस्तान में सत्ता प्राप्त की, लेकिन हमारे वामपंथियों को इस बात की अधिक प्रसन्नता थी कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। लेफ्ट ब्रिगेड यह कहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ताने मारने लगा है कि तालिबान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। हालांकि पिछले 7 वर्षों में मोदी विरोधी यह समझ ही नहीं पाए हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर अनेकों बार राजदीप जैसे प्रोपेगेंडावादी पत्रकार की धज्जियां उड़ाने वाले नरेंद्र मोदी ने देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की शैली ही बदल दी है। वामपंथी जितनी जल्दी यह समझ लें उतना ही बेहतर है। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है। मैं अभिनव आज आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 7 वर्षों के अपने कार्यकाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की शैली ही बदल दी है। एक दुर्दांत खूंखार आतंकी संगठन फिर से निरीह जनता पर अत्याचार ढाने के लिए तैयार है। इससे देश के वामपंथियों को कोई मतलब नहीं है। हमारे भारत के वामपंथियों को तो इस बात से मतलब है कि कैसे भी करके देश के प्रधानमंत्री को नीचा दिखाया जाए, चाहे इसके लिए आतंकवादियों के तलवे ही क्यों ना चाटने पड़े। तालिबान द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जाने के बाद भारत में वामपंथियों ने इवन तालिबान हैज डन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस नाउ फॉर्मेट में ट्वीट करना शुरू कर दिया था। यह स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर तंज था, यानी वे 12 वर्ष की लड़कियों को सेक्स स्लेव बनाने वाले तालिबान की न सिर्फ वाहवाही कर रहे थे बल्कि इस आतंकी संगठन की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कर रहे थे। इन ट्वीट से आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि वामपंथियों की वफादारी किसके प्रति अधिक है। इनका बस चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने के लिए जोसेफ स्टालिन और ओसामा बिन लादेन को भी अपना आराध्य मान सकते हैं, और कुछ लोग तो ऐसा वास्तव में करते भी हैं। जिस प्रकार से ये लोग कम से कम तालिबान प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित कर रहा है को इतनी निर्लज्जता से लिख रहे हैं, इन्हें अंदाजा भी है कि ये किसकी तुलना किससे कर रहे हैं। क्या यह उचित है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में से एक की तुलना एक ऐसे संगठन से की जा रही है जो 12 साल की बच्चियों को यौन शोषण के लिए अपने से 3 गुने उम्र के लोगों को सौंप देते हैं। ट्यूबलाइट को भी खुलने में कुछ मिनट लगते हैं। अभ्यास करने पर जड़मती को भी बुद्धिमानी आ जाती है, लेकिन इतने वर्षों में भी हमारे वामपंथी इस बात को नहीं पचा पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के शासन में प्रेस कॉन्फ्रेंस अब पहले जैसे नहीं रहे। जिसका काम उसी को साझे की नीति का पालन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर विभाग के लिए उचित विशेषज्ञों को तैयार किया है जो इसके लिए मीडिया से स्वयं बात करते हैं, उनके विचार जानते हैं और अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। इसका सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण तो तभी दिख गया था जब वर्ष 2015 में पूर्वोत्तर में भारतीय सेना के ऊपर हुए हमलों के जवाब में की गई कार्रवाई के बारे में घोषणा के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री के जरिए नहीं बल्कि स्पष्ट तौर पर रक्षा मंत्रालय और भारतीय सेना के उच्चाधिकारियों के जरिए ये घोषणा कराई थी। ठीक ऐसे ही वर्ष 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक्स की घोषणा भी देश की सेना के DGMO और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की संयुक्त घोषणा के साथ हुई थी। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागते हैं? जो व्यक्ति बतौर मुख्यमंत्री राजदीप सिरदेसाई जैसे एजेंडावादियों को एक बार नहीं बल्कि अनेक माध्यम और अनेकों चैनल पर पटक पटक के धोए, जो व्यक्ति इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में दिग्विजय सिंह जैसे प्रोपेगेंडावादियों को दिन में तारे दिखा दे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो नहीं भागेगा। असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एजेंडावादी पत्रकारिता से 36 का आंकड़ा रहा है। ऐसे में जो लोग करण थापर के एक कथित इंटरव्यू पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कायर सिद्ध करने में तुले रहते हैं, यदि वह बाद में एडिटेड और प्रोपेगेंडा से परिपूर्ण निकल आए जिसमें से आपत्तिजनक कंटेंट हटा दिया गया था, तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। वर्तमान के कोरोना काल में विशेषकर दूसरी लहर के समय जिस प्रकार से स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन और महामारी को लेकर जनता से सीधे संवाद कर जानकारी देने की व्यवस्था की, या फिर सोशल मीडिया कंपनीज को IT अधिनियम न मानने पर स्पष्ट संदेश देना हो, मोदी सरकार के अपने बदले रणनीति ने स्पष्ट किया है कि जो मंत्री जिस मंत्रालय को संभाल रहा है वह किसी भी बिंदु की बारीकियों को बेहतरीन तरीके से समझता है और जनता को जवाब भी सही तरीके से देगा। स्वास्थ्य मंत्रालय से लेकर परिवहन मंत्रालय तक के मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बात जनता तक पहुँचाई है। पहले ये धारणा या प्रथा रहती थी कि काम कुछ भी हो जिम्मेदारी सिर्फ प्रधानमंत्री की होगी, वही हर मामले पर जनता से संवाद करेगा और वही हर मसले पर जिम्मेदारी भी लेगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में अब ऐसा नहीं हो रहा है।
उदाहरण के लिए कुछ समय पहले ही कैबिनेट रिशफल को ही देख लीजिए, जब मोदी सरकार विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आभास हुआ कि उनके मंत्री अपने पद की गरिमा को क्षीण कर रहे हैं, तो उन्होंने काम के प्रति जवाबदेही तय करने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर जैसे मंत्रियों को त्याग पत्र सौंपने पर विवश किया और स्मृति ईरानी जैसे मंत्रियों को अपेक्षा अनुरूप परिणाम न देने पर पद से अवनत भी किया। सत्य तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का लहजा परिवर्तित कर दिया है। वे हर वस्तु का बोझ अपने ऊपर नहीं लेते और ना ही अनावश्यक लोगों का एजेंडा किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हावी होने देते हैं। वे विशेषज्ञों यानी मंत्रियों को उनका काम करने देते हैं और जनता से स्पष्ट संवाद स्थापित करते हैं, और यही वामपंथी आज तक नहीं पचा पाए हैं।